hello dear students how are you and this is my social study class with me friends here we are going to start new ncrt chapter first in history the rise of nationalism in europe सो गाई लिसन वेरी केयरफुली एंड लेट्स स्टार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय राष्ट्रवाद मतलब कि जो देश था जैसे जर्मनी फ्रांस इनका बनना और उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी होना एक पहचान होना उनके एक बाउंड्री डिसाइड हो जाना वो नेशनलिज्म उससे पहले जो थे जो कंट्री यूरोप के वो उनकी कोई एक बाउंड्री डिसाइड नहीं थी और वो प्रिंसली स्टेटों में बटे हुए थे कि वो एक ऐसे नहीं था कि ये जर्मनी है ये फ्रांस है इस तरह से फिर बाद में एटीन सेंचुरी के समथिंग जो यूरोप के कंट्री थे वो नेशन स्टेट बनने लगे उनकी एक पहचान बनी एक बाउंड्री बनी एक नाम उनको दिया गया तो वही आपका नेशनल कहलाया बच्चों यू कैन सी हेयर आ पिक्चर ये जो पिक्चर है वो आपकी सूरी फेडरिक ने एटीन फोर्टी एट में तैयार की है और उसमें उसने अपने एक एक ड्रीम को दिखाया है कि एक वर्ल्ड वाइड मतलब एक ऐसी दुनिया जो कि डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक पर आधारित हो दि पैक्ट बिटवीन नेशन और यहाँ पर मतलब राष्ट्रों के बीच संधि वगैरह जो है वो दिखाई गई है तो ये पढ़ेंगे एप्सोलोटेस्ट बच्चों यहाँ पर टू वर्ड्स हैं इनको जरा देख लो पहले एप्सोलोटिस्ट और यूटोपिया एप्सोलोट का मीन्स होता है निरंकोशवाद मतलब निरंकोशवाद एक बेकार सरकार गवर्नमेंट जो कि लोगों के अनुरोध ना हो जैसा लोग चाहें वैसे ना हो और लिटरेरी आ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल एक्ट हैज़ नो रेक्ट रेस्टक्श ऑन पावर एक्सरसाइज मतलब एक ऐसी सरकार जिसकी पावर पर कोई कंट्रोल ना हो इन हिस्ट्री द टर्म रेफर्स टू आ फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट डेट वॉज सेंट्राइज मिलिटराइज्ड एंड रिस्पेक्सिव और बच्चों लूट जो गवर्नमेंट है हम उसे कहते हैं जैसे कि आपकी मोनार्कियल गवर्नमेंट राजशाही सरकार जिसके हाथ में आपकी पावर होती है और वो सेंट्रलाइज होती है केंद्रीकृत होती है और मिलिट्री होती है उसके पास और जब लोग उसका विरोध करते हैं तो वो उनका दमन भी करती है तो वो ही आपकी एब्सोलोटिस्ट गवर्नमेंट कही जाती है जो कि राजतंत्र में होती है यूटोपिया विज़न ऑफ सोसाइटी डेट हैज सो आइडियल दैट इज़ अनलाइकली सो एक्चुअल एग्जिस्ट बच्चों यूटोपिया का मीन्स होता है कल्पना दृश्य मतलब कि कल्पना के आधार पर हम कुछ भी अपने मन में अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं कि एक ऐसी दुनिया हो ऐसा हो वैसा हो तो वही आपकी कल्पना हालांकि वो सच नहीं होते हैं ठीक है तो वही यहाँ पर तो एक ऐसी सोसाइटी का विजन दृश्य जो कि बहुत ज़्यादा आदर्श वाला हो बहुत अच्छा समाज हो लेकिन वास्तव में वो एग्जिट ना हो सिर्फ कल्पना में ही हो हम सिर्फ विचार ही करते रहे कि हाँ ऐसे लोग होने चाहिए ऐसा समाज होना चाहिए लेकिन वो ऐसा हो नहीं सकता वो आपका यूटोपिया कहलाता है इन एटीन फोर्टी एट फेडरिक्स ऑफ फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेर्ड ऑफ सीरीज ऑफ फोर प्रिंट्स विजलिंग हिज ड्रीम ऑफ आ वर्ल्ड अप ऑफ डेमोक्रे टेक एंड सोशल रिपब्लिक एज ही कॉल्ड एम 1848 में बच्चों जो कि आपका फेडरिक यूरो जो कि फ़्रांस का आई थिंक एक हाँ एक फ्रेंच आर्टिस्ट था उसने बच्चों चार पेंटिंग्स की एक सीरीज बनाई मतलब चार पेंटिंग्स और उनकी एक श्रृंखला बनाई वन बाय वन और उन पेंटिंग्स में उसने अपने वर्ल्ड के ड्रीम को दिखाया कि वो किस तरह का मतलब संसार चाहता है किस तरह का यूरोप बनाना चाहता है और वो संसार यानी कि वो यूरोप जो कि डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक पर आधारित होना चाहिए ऐसे वर्ल्ड की या ऐसे यूरोप की उसने कल्पना की किन में उन मतलब पिक्चरों में जो कि उन्होंने तैयार की थी पेंटिंग्स में दी फर्स्ट प्रिंट ऑफ दी सीरीज़ सीरीज़ का जो पहला मतलब प्रिंट था बच्चों पहली पिक्चर सो दी पीपल ऑफ़ यूरोप एंड अमेरिका उसमें बच्चों अमेरिका और यूरोप के लोगों को दिखाया गया था जिसमें आपके मैन वुमेन और सभी के लोग थे और सभी सोशल ग्रुपों के लोग शामिल थे मर्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन और जो कि बच्चों एक लंबी लाइन में कतार में चल रही थी एंड ऑफरिंग होम इज़ टू द स्टेचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास वाई इट और बच्चों जो आपकी स्टेचू ऑफ लिबर्टी है जो कि चित्र में दिखाया गया है उसको वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं उसके सामने झुक रहे हैं जैसे जैसे वो उसके पास से निकलते जा रहे हैं आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो स्टेचू खड़ी है उसके सामने एज़ यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ़ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशनिफिकेड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर बच्चों आपको याद होगा कि आपने पढ़ाता कि, कि फ्रांस में उस समय लिबर्टी को एक फीमेल फिगर का रूप दिया जाता था यानी कि स्वतंत्रता जो है उसको एक लेडीज का पहनावा पहनाया जाता था कि लिबर्टी को एक लेडीज मान लिया ऐसी लेडीज जो कि का कभी मतलब इसलिए कि उसने है ना कभी क्रांति में पार्टिसिपेट्स किया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है अपने विचारों को, के द्वारा उन्होंने लोगों को और जो वूमेन्स हैं उनको प्रभावित किया और समाज में बदलाव लाने की कोशिश की हालांकि वो थी नहीं एग्जिट लेकिन ऐसी लेडीज़ बहुत सारी हुई तो उसी के आधार पर उन्होंने मतलब लिबर्टी को फ़ीमेल फिगर देने की कोशिश की और अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो अपने इंडिया में ही देख लो कि जो अपना इंडिया है उसको भारत माता का फिगर के रूप में दिखाया जाता है कि जो हमारा इंडिया है वो भारत माता है तो इंडिया को एक फीमेल फिगर दिया गया है ना भारत माता वो ही तो वैसे ही वहाँ पर लिबर्टी को एक फीमेल फिगर के रूप में दर्शाया गया था नेक्स्ट बच्चों हेयर यू कैन रिकोनाइज दी टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट बच्चों यहाँ पर आप ज्ञान की टॉर्च को पहचान सकते हो मसाल को सी वियर इन वन हैंड जो कि उन्होंने एक हाथ में ली हुई है लिबर्टी ऑफ स्टेचू ने और द चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन और आपके मैन मैन के अधिकारों का घोषणा पत्र जो कि उन्होंने अपने दूसरे हाथ में थामे हुए हैं ऑन दी अर्थ इन दी फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाइ दी स्कैटर रिमेंस ऑफ सिंबल ऑफ एप्सोलोटिस्ट इंस्टीट्यूशन और बच्चों स्टेचू के सामने जमीन पर मतलब बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो पड़े हुए हैं टूटे हुए अवशेष वो किसके हैं बच्चों वो आपके एप्सोलोटिस्ट इंस्टीट्यूशन के प्रत्येक हैं मतलब कि जो राजतंत्र है उसको ख़त्म कर दिया गया है या जो निरंकुश शासन या वो सरकार जो कि काफ़ी बेकार थी जो लोगों का दमन करती थी उन उनके अनुसार नहीं थी उसको अब उठाकर फेंक दिया गया है और वहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप कर दी गई है तो ये अवशेष उसी को दिखा रहे हैं इन सोरियूस इटो यूटोपिया इतो, इतो, विज़न और साथ ही में बच्चों जो सूरी था उसने अपने है ना कल्पना दृश्य में और भी कुछ बताया है मैंने ये मीन्स बता दिए है आपको द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रोब्ड एज डिस्टिनिक्स नेशन आइडेंटिफाई थ्रू दी एयर फ्लैग्स एंड नेशन नेशनल कॉस्ट्यूम और जो आपके वर्ल्ड के जो लोग हैं बच्चों जो कि यहाँ पर एकत्रित तो हुए हैं समूह में वो अलग अलग राष्ट्र के हैं और उनको उनके फ्लैग से पहचाना जा सकता है उनकी नेशनल कॉस्ट्यूम से पहचाना जा सकता है लीडिंग दी प्रोसेसन वे पास द स्टेचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड नेशन एंड स्विट्जरलैंड और बच्चों आपका जो ये जुलूस है उसका जो नेतृत्व है वो यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड कर रहा है ठीक है बच्चों तो आपका यूनाइटेड नेशन और स्विट्जरलैंड जो है वो इस जुलूस का नेतृत्व कर रहा है विच वाय द दिस टाइम वार ऑलरेडी नेशन स्टेट क्यों क्योंकि बच्चों इस समय तक ये नेशन स्टेट बन चुके थे इसलिए ये इस जुलूस का तो कर रहा है नेशन स्टेट का मतलब बच्चों उनकी एक खुद की पहचान बन चुकी थी एक कॉमन आइडेंटिटी हो गई थी एक लैंग्वेज डिसाइड कर दी थी एक बाउंड्री डिसाइड कर दी थी और एक उनको कंट्री का नाम दे दिया गया था और उस कंट्री में रहने वाले जो लोग थे वो सभी अपने आप को मतलब एक समान मानते थे सभी को कि हाँ हम इस कंट्री के हैं और इसका हिस्सा हैं और हमारी ये पहचान है तो वही आपके नेशन स्टेट फ्रेंच आइडेंटिफिएबल बाय दी ट्राई कलर और बच्चों फ्रांस जो कि क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है मतलब उनके रिवोल्यूशनरी वाले झंडे से जो फ्रांस है उसको पहचाना जा सकता है जस्ट विज दी स्टेचू और वो अभी मूर्ति के पास पहुंचा है सी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ़ जर्मनी उसके बाद बच्चों फ्रांस के पीछे आपके जर्मनी के लोग हैं बेयरिंग दी ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग और जो कि आपके ब्लैक रेड और गोल्डन फ्लैग हाथ में लिए हुए हैं इंटरेस्टिंगली एट द टाइम वेंस्यूरियो क्रिएटेड दिस पिक्चर जर्मनी डिट नॉट यट एग्जिट एज आ यूनाइटेड नेशन और बच्चों जो सबसे दिलचस्प बात ये है कि उस समय तक जब ये श्यूरी ने ये पिक्चर तैयार की थी तब आपका जो जर्मनी था वो एक यूनाइटेड नेशन नहीं बना था या नेशन स्टेट नहीं बना था द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबर्टी होप्स इन 1848 और जर्मनी के लोग जिस फ्लैग को ले जा रहे हैं बच्चों वो आपकी लिबर्टी हॉप्स 1848 की लिबर्टी हॉप्स का का प्रतीक है या अभिव्यक्ति है टू यूनिफाइड दी नंबर्स जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटी इन टू नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और जो ये बताता है कि बहुत सारे आपके जर्मन स्पीकिंग रियासतें हैं उनको एक नेशन स्टेट बनाना और एक ऐसा नेशन स्टेट जो कि आपके मतलब डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित हो तो उसको यूनिफाई करना जो कि छोटे छोटे पार्ट्स में जो जर्मनी बटा है उसको एक करना उसको नाम देना एक फॉलोइंग जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया दी किंगडम ऑफ दी टू सिस्टिस लॉम्बारडी पोलैंड इंग्लैंड आयरलैंड हंगरी एंड रसिया इसके बाद बच्चों आपके जर्मनी के बाद ऑस्ट ऑस्ट्रिया टू सिटली की राजसाई लॉम्बार्डी पोलैंड इंग्लैंड आयरलैंड हंगरी और रूस के लोग हैं नेक्स्ट बच्चों फ्रॉम दी हैवेंस अब अप क्राइस्ट सेंट एंड एंजल्स गैस अप ऑन दी सीन ऊपर से बच्चों पिक्चर में ये भी दिखाया गया है कि जो आपके जीजस क्राइस्ट हैं सेंट और एंजल्स से, हैं वो इस सीन को देख रहे हैं दे हैव बीन यूज बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बोलाइज फेटर्निटी अमंग दी नेशन ऑफ दी वर्ल्ड और इन सबको कल मतलब चित्रकार द्वारा इन सबको इसलिए इस चित्र में दिखाया गया है ताकि ये मतलब जो वर्ल्ड के नेशन हैं उनके बीच फैटर्निटी भाईचारे की अवधारणा को बना सकें या उनको दिखा सकें प्रतीक के रूप में भाईचारे की भावना के प्रतीक के रूप में इन सबको यहाँ पर दिखाया गया है नेक्स्ट बच्चों दिस चैप्टर विल डील विद दी मैनी ऑफ दी इशूज़ विजुअल वाइज स्यूर इन फिगर वन ड्यूरिंग दि नाइन्टीन सेंचुरी और बच्चों इसमें मतलब कई सारे जो आपके मुद्दे हैं वो उठाए गए हैं और जिनकी कल्पना मतलब जिनकी अभिव्यक्ति मतलब स्योरी ने चित्र एक में की गई है मतलब जो आपका फर्स्ट पिक्चर है उसमें बहुत सारे मुद्दों को उठाया गया है जो कि आपकी स्योरी ने तैयार की है और वो मुद्दे जो कि आपकी नाइन्टीन सेंचुरी में हुए थे ड्यूरिंग द नाइन्टीन सेंचुरी नेशनल नेशनलिज्म इमर्स्ड एज आ फोर्स विच ब्रॉट अबाउट सीपिंग चेंजेस इन दॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप और बच्चों उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत के रूप में उभरकर आया मतलब सभी जो कंट्री थे वो अब नेशन स्टेट बनने लगे थे उभरकर आया जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जो विचार थे उसमें परिवर्तन बहुत सारे परिवर्तन लाए दी एंड Result of these changes was the emergence of nation-state in the place of multinational dynasty empire of Europe. और इन बदलावों का जो ये परिणाम हुआ था मतलब इन बदलावों का अंत एक रिज़ल्ट पर हुआ वो रिजल्ट कि उस समय फिर आपके nation स्टेट जो थे वो इमरजेंस हुए और जो कि आपका पहले जो छोटे छोटे रियासतों और छोटे छोटे मतलब आपके नेशनल डायनेस्टी थे यूरोप के एम्पायर्स के उनमें बटा हुआ था जो पूरा यूरोप अब वो नेशन स्टेट बनने लगा था इन परिवर्तनों के द्वारा जो था आपका यानी कि बहुत सा स्टेट बनने शुरू हुए छोटे छोटे मतलब नेशनल डायनेस्टी के जगह पर दी कॉन्सेप्ट एंड दी प्रिंसिपल ऑफ अ मॉडर्न स्टेट इन विच आ सेंट्राइज पावर एक्साइज सोवर्निटी कंट्रोल ओवर आ क्लियरली डिफाइंड टेरिटी हैज़ बीन डेवलपिंग ओवर आ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप और बच्चों साथ ही साथ आपका मॉडर्न स्टेट की जो आपकी अवधारणा है और जो उसकी प्रैक्टिस है हाँ मॉडर्न स्टेट की एक अवधारणा वो मॉडर्न स्टेट जिसमें एक सेंट्रल पावर हो रखी गई हो और सोवर्निटी कंट्रोल हो एक ऐसा मॉडर्न स्टेट की उन्होंने कल्पना की थी सोवर्निटी कंट्रोल मतलब अगर हम इंडिया के लोग हैं तो इंडिया की सारी चीज़ पर हमारा ही कंट्रोल है उससे इंडिया से संबंधित हम डिसीज़न ले सकते हैं कुछ भी कह सकते हैं बोल सकते हैं तो वो आपकी सोवर्निटी कहलाती है तो वहाँ यूरोप के लोग ऐसे ही एक मॉडर्न स्टेट की कल्पना कर रहे थे जहाँ पर सेंट्रलाइज पावर हो और सो सुव, सोवर्निटी कंट्रोल हो और जहाँ पर मतलब जो टेररिटी हैं उन पर क्लियरली कंट्रोल किया गया हो और ये यूरोप में काफ़ी लंबे समय से डेवलप हो रहा था ये सब बट अ नेशन स्टेट वॉज वन इन विच दी मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर हिस्ट्री और डिसेंट लेकिन बच्चों आपके जो नेशन स्टेट थे और जो नेशन स्टेट में जो बहुत सारे लोग थे सिटीजन्स थे वो और साथ में आपके रूलर्स वगैरह तो उनके अंदर बच्चों एक फीलिंग थी किस चीज़ की कॉमन आइडेंटिटी की कि हाँ भाई हम जैसे कि हम हम सब लोग इंडिया में बहुत तरह के जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि हाँ हम इंडियंस हैं और शेयर हिस्ट्री और हम और डिसेंट और हम ये कहते हैं कि हाँ हमारा एक पास्ट है जिसको हम हमेशा फॉलो करते हैं हमारी एक कल्चर है हमारी एक संस्कृति है तो ऐसे ही मतलब एक ऐसे ही नेशन स्टेट जिसमें है ना आपके सिटीजन के साथ मतलब रूलर्स के साथ साथ सिटीजन भी मतलब आपकी एक कॉमन आइडेंटिटी और कॉमन हिस्ट्री को शेयर करना चाहते थे और उसका विकास करना चाहते थे एक ऐसी नेशन स्टेट को वो डेवलप करना चाहते थे दी कॉमननेस डिट नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम ए मेमोरियल इट वॉज फ्रै फ्रॉग थ्रो स्ट्रगल थ्रो द एक्शन ऑफ लीडर्स एंड कॉमन पीपल और बच्चों ये कॉमननेस कॉमननेस की जो भावना थी कि सभी चीज़ों को हम एक समान देखते हैं एक दृष्टि से देखते हैं कि हम इंडिया के भी लोग हम इंडिया के एक वासी हैं तो इस तरह की जो फीलिंग थी वो लोगों में यूरोप के लोगों में एक साथ नहीं आई थी जो कॉमननेस की जो फीलिंग थी वो एक साथ नहीं आई थी वो उनको कॉमननेस की फीलिंग या ये कहें कि वो ये सोचते हैं कि हाँ एक हमारा देश होना चाहिए उसकी एक पहचान होना चाहिए इस तरह की फीलिंग उनमें एक साथ नहीं आई थी ये फीलिंग बच्चों उनको स्ट्रगल के थ्रू और लीडर्स के बहुत सारे जो काम थे उनके द्वारा और कॉमन लोगों के द्वारा इस तरह की फीलिंग उनके अंदर क्रिएट हुई थी दिस चैप्टर विल लुक एट दी डाइवर प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट एंड दी नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन दी नाइनटीन सेंचुरी यूरोप और बच्चों इस मतलब चैप्टर में हमने तरह तरह की जो आपकी प्रोसेस है उस पर प्रकाश डालेंगे आगे और उनके जिनके तहत मतलब उन्नीसवीं सदी के यूरोप में और राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद आपके जो थे अस्तित्व आए थे उन सब के बारे में पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही बाकी थोड़ा सा कुछ है और बता देते हैं बच्चों एन एस डीन वॉट इज़ अ नेशन जो आपका एक लेखक था एनस डेनन और उसके अनुसार नेशन क्या था वो यहाँ पर बताया गया है कि फ्रांसीसी दार्शनिक आपका अनेंस्ड लेनिन जिसका टाइम पीरियड आपका एटीन ट्वेंटी नाइन से और नाइन्टी टू तक है बच्चों उसने एटीन नाइन्टी टू में और विन विश्वविद्यालय में दिए गए एक व्याख्यान में अब मतलब लेक्चर में अपनी समझ को दर्शाया था तो बाद में फिर उसने जो कहा था उसको निमंत्र के रूप में छापा गया था और जो निमंत्र के रूप में उसके जो को छापा गया था उसका जो थीम थी वो थी राष्ट्र क्या है बस, बस वैसे ही इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चों इसलिए इसको नहीं बता रहे हैं लेकिन यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है आपको पेब्ले बिस साइट ये क्या है बच्चों आपका आ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल पीपल ऑफ आ रीजन आर रास्ट टू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट आ प्रपोजल बच्चों इसका मतलब होता है आपका जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष या डायरेक्ट मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र के या एक कंट्री के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है वो ही आपका प्लेबिस एट कहलाता है बच्चों आज के लिए इतना ही सो थैंक यू